सो हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सॉरी इम्पोर्टेंट एंड डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग सीयूसेट एडमिशन 2021। आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्योंकि जस्ट एटलीस्ट कल जो है अलॉटमेंट होने वाले हैं, तो उस वक्त आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रहने चाहिए जिससे कि आपके एडमिशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो देख लेते हैं सिंपल प्रोसेस, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यूनिवर्सिटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए, तो आप जस्ट उसको डाउनलोड कर ले cet.nta.nic.in पे। सेकंड नंबर आपके पास उसका एडमिट कार्ड भी होना चाहिए, ओके, तो आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर ले। यार एडमिट कार्ड की जरूरत उस समय भी पड़ने वाली है जस्ट अपनी स्पोर्ट राउंडिंग वगैरह स्टार्ट होगी। थर्ड ऑप्शन आपके पास आता है कि आपके पास अपनी जो भी क्वालिफिकेशन डिग्री है, जैसे अगर आप पीजी प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप यूजी कोर्सेज के अंदर एडमिशन ले रहे हैं तो आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ओके। देन आपके पास मैटर करता है आपका DOB। बहुत सारे बच्चों की क्वारी आ रही थी, भैया हमारा DOB सर्टिफिकेट तो है नहीं, तो क्या करें, क्या अपलोड करें। तो आप DOB की जगह 10th क्लास का मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। 10th क्लास का मार्कशीट वैलिड होता है डेट ऑफ बर्थ के लिए, उसके हिसाब से आपका DOB मेंशन होनी चाहिए। तो आप DOB यूज कर सकते हैं 10th क्लास के, और इसके लिए आप DOB भी यूज कर सकते हैं। मेट्रिक सर्टिफिकेट के अंदर आपको जो है अपना 10th का जो है सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके बाद जो आता है आपका स्कूल जो देता है या फिर कॉलेज जो देता है आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ओके। एंड उसके बाद जो आपके पास होना चाहिए अपना एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट। बहुत सारे बच्चों की ये क्वारी आ रही थी, भैया माइग्रेशन तो नहीं है हमारे पास, ये माइग्रेशन क्या होता है। तो यार जो कॉलेज जहाँ से आपने 12th किया है, कॉलेज किया है, तो वो वाले आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो आपका जस्ट डायरेक्टली DigiLocker पे भी मिल जाएगा। आपका जस्ट कैसा बिहेवियर था कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, तो उसका एक करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, तो वो भी जस्ट आपको स्कूल या अपने कॉलेज से लेना पड़ेगा। तो जस्ट कुछ हो गए, जैसे 12th है, 10th है, मैट्रिक है, माइग्रेशन है, करेक्टर है, ओके। एंड आपका एक हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओके। एंड आपके पास एक अपना जो है मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कि आपकी मेडिकल कंडीशन ठीक है, ओके। एंड उसके बाद जो है आपके पास अगर आपने ड्रॉप किया है 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, तो आपको जो भी अपना एडवोकेट या फिर नोटरी वाले के पास जाना है, एक अपना जो भी आपने ड्रॉप क्यों किया, आप कोई प्रिपरेशन कर रहे थे, आप कोई वर्क कर रहे थे, तो आपको अपना गैप सर्टिफिकेट बनवा लेना है जो भी नोटरी वाला होता है उससे। और आगे जो फर्दर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका अंडरटेकिंग डॉक्यूमेंट है, रेगिंग वगैरह, जो तो आपको नॉर्मली वेबसाइट पे मिल जाता है, ओके स्टूडेंट। और जो सबसे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट का। तो कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको अपने नज़दीकी जो भी आपका सेंटर वगैरह होता है उसके अंदर जाना होता है, वहाँ पे आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, ओके। अब कुछ बच्चे होते हैं कि हमारा तो 2 साल पहले का बना हुआ डोमिसाइल है, गवर्नमेंट 3-4 महीने का नया बना रही है, मांग रही है, क्या हमारा 2-4 साल के अंदर डोमिसाइल चेंज हो गया, क्या सरकार पागल है। तो यार सरकार पागल है या नहीं मुझे तो उसके बारे में नहीं पता, लेकिन जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से ही अपन को फॉलो करना है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या बोलती है, 3 महीने पहले का कास्ट सर्टिफिकेट बनाओ। अब जो कास्ट है वो चेंज थोड़ा हुई है, कास्ट तो वही चल रही है, सालों से वही चल रही है, ठीक है, सालों से मेरी जनरल कैटेगरी चल रही है, वो SC कैटेगरी में तो बदलने से रही। अब पता नहीं सरकार 3 महीने पहले पुराना क्यों मांगती है कि 3 महीने तक ही होना चाहिए, आपका जस्ट फरवरी के बाद का, अप्रैल के बाद का बना हुआ होना चाहिए। तो जस्ट बना हुआ होना चाहिए तो सही है, अब इसमें क्वेश्चन क्या कर सकते हैं अपन, तो गवर्नमेंट ने जो कहा वो भी फॉलो करना पड़ेगा। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ओके स्टूडेंट। तो कार सर्टिफिकेट थोड़ा आपका नया होना चाहिए, ओके। और जैसे आपका डोमिसाइल है, कास्ट है, ओके, और एक आपका इनकम सर्टिफिकेट फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट आपको वेबसाइट वाला ही यूज करना है, ऐसा नहीं कि आप कर्नाटक में रह रहे हैं, हमारे दिल्ली में तो ऐसा चलता है, CU हरियाणा में ऐसा मांग रहे हैं,
वहाँ पे कोई एक्सक्यूज नहीं चलता, डायरेक्टली सीट कैंसल ड्यू टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, फिर वो स्पोर्ट राउंड, ओपन काउंसलिंग, डायरेक्टली ब्लैकमेल, फिर वो कैसे कैसे मिलता है मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अगर तुमको अपना सीट एडमिशन कंफर्म चाहिए तो जो मैं बता रहा हूँ उसको करो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अपने कास्ट वगैरह जो भी है बिल्कुल ठीक से प्रिपेयर रखो, एंड अगर आपके ऊपर कोई पुलिस वेरिफिकेशन केस वगैरह है तो उसके लिए भी एफिडेविट वगैरह होता है, उसके लिए आप जस्ट फर्दर अपने HOD से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉलेज के HOD से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जब भी आप अपना फीस पेमेंट करें यूनिवर्सिटी को, उसका बैंक से रिसिप्ट ले, रिसिप्ट वेबसाइट पे अपलोड करें। अगर पेमेंट गेटवे से कॉलेज पेमेंट ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप पेमेंट इंटरनेट बैंकिंग से करें, क्योंकि 50,000-60,000 रुपये का पेमेंट होता है। एक बार अगर फेल हो गया है तो एटलीस्ट 3 से 5 दिन लगते हैं वापस आने में, और उतना पेमेंट 2-3 दिन के अंदर फिर से जुटा पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप लास्ट डे पेमेंट करते हैं, पेमेंट फेल हो जाता है, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी जिम्मेदार नहीं है। अगर वहाँ पे पास पेमेंट पोर्टल के पास नहीं पहुँचता तो डायरेक्टली आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। वो पेमेंट जो आपको एटलीस्ट 3 से 5 दिन के अंदर वापस रिसीव होता है, तो इस सब चक्कर से बचने के लिए आपको क्या करना होता है, इंटरनेट बैंकिंग यूज करनी होती है, अच्छी साइबर सिक्योरिटी जो भी साइबर कैफे होता है वहाँ पे जाना होता है अपना एडमिशन वगैरह कंफर्म करने के लिए। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका आज का अच्छा, बहुत अच्छा वीडियो, और जस्ट आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, और लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जो youtube.com/... सर्च करते हैं वहाँ ना, ठीक है, CU City के बारे में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।